हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी ने पुलिस अधिकारियों के साथ ली क्राइम मीटिंग। जिले भर में क्राइम के संबंधित पेंडिंग प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारण किए करने के लिए आदेश। अच्छे काम करने वाले पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को शाबाशी। पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी की अध्यक्षता में पुलिस लाइन डिस्ट्रिक्ट मीटिंग हॉल में क्राइम मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर के थाना अधिकारियों और डिप्टी सहित अन्य अधिकारियों से जिले भर में हो रहे क्राइम की रोकथाम व उनसे संबंधित मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जानकारी ली गई। साथ ही पेंडिंग पड़े क्राइम प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारण कर उसकी रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया। साथ ही पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों के द्वारा बड़े बड़े प्रकरणों में अपनी ड्यूटी निभाते हुए मुजरिमों को पकड़कर थाने लाने समेत अन्य क्राइम संबंधित रिपोर्टों को जल्द से निस्तारण करने को लेकर भी पुलिस अधिकारियों की पीठ थपथपाई और भविष्य में भी इसी तरह अच्छे काम करने की शुभकामनाएं दी। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए राहुल कोटोगी, पाली पुलिस अधीक्षक, इन्होंने ये कहा। कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया गया, वो रेनोवेट करने के बाद इसको आज हमने इनॉग्रेट किया और इसके अलावा पौधारोपण किया गया और साथ में अभी क्राइम मीटिंग और उससे पहले जो पुलिस की कोरोना के समय और ये जो दरमियान है 4-5 महीने में जिन सिपाहियों ने, आम जन ने, जिसने पुलिस की मदद की हो, उन सबको सम्मानित भी किया गया और ये जो कड़ी है सम्मान की, ये हर महीने हम क्राइम मीटिंग के साथ ये रखेंगे और जो अच्छा कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहित करने के हिसाब से इनको प्रशस्ति पत्र और कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। साथ में आम जनता भी जो पुलिस की मदद करते हैं किसी भी तरह से, तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा, चाहे वो प्रेस वाले हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो आम जन के, उनको सबको जो पुलिस की मदद करते हैं उनको हर महीने इस तरह से एक रिवॉर्ड सेरेमनी हम रखेंगे और उसमें उनको सम्मानित किया जाएगा। कोविड के समय तो चल ही रहा है अपना, तो क्योंकि पाली शहर में भी काफ़ी पॉजिटिव केसेस अभी भी कंटिन्यूस आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी अब आपने देखा होगा कि क्राइम भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है अचानक, और इसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों फ्रंट हमारे पास है, एक तो कोविड वाली फ्रंट जो है और इसके साथ साथ जो क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेंशन वाला है, वो भी हमारे को देखना पड़ेगा। और मेरी टीम अच्छा कार्य कर रही है और इसी क्रम में मैं इनको आज जो अच्छे कार्य किए उनको प्रशस्ति पत्र और सम्मान दिया गया। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।